हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटर के मसाले मटर वाली बिल्कुल इजी और टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये तो सर्दियों का मौसम है, विंटर सीजन में तो मटर मिलते ही हैं। तो जैसे कि मटर का सीजन है तो फ्रेश मटर के साथ हम आज बिल्कुल एक नई सी रेसिपी लेकर आए हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हम जितने भी न्यू वीडियो बनाएं सबसे पहले आप लोगों को मिले। हमें सपोर्ट करने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की नई रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कटोरी मटर ले लिया है, अगर आप इसको ग्राम वाइज देखेंगे तो 300 ग्राम है। तो तीन प्याज को भी मैंने ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं। तो ये पांच टमाटर है उसको भी मैंने काट लिया है। 10 से 15 कली लहसुन के मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। दो मिर्च लिया है, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो लौंग, तीन से चार काली मिर्च। तो इन सारी चीजों को ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद ग्राइंड कर लेते हैं और मैं मटर को अच्छी तरीके से एक से दो बार धो लूंगी। तो मैंने तो फ्रेश मटर लिया है, अगर आपके पास फ्रेश मटर नहीं है तो आप फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। देख सकते हैं मैंने इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। मटर को हम उबाल लेंगे। तो जैसे कि मटर का सीजन है और विंटर्स में तो मटर मिलते ही है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश मटर लें। तो मटर सॉफ्ट होने तक हम उबाल लेते हैं। पतीले में पानी को चढ़ा दिया था, अब मटर को डाल देंगे। तो मटर को हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो इसमें बस एक चम्मच से भी थोड़ा सा मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, अराउंड हाफ चम्मच इतना। इससे क्या होगा, हमारा मटर का जो कलर है वो ग्रीन ही रहेगा, मटर का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। अभी मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मटर का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, वही ग्रीन के ग्रीन है। इसीलिए ये छोटी छोटी टिप्स बहुत फायदेमंद होगी गाइस, तो ट्राई कीजिएगा। और मटर हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मटर हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो मैं इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालूंगी, तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा और दो मीडियम साइज की प्याज को भी काट लिया है उसको भी डाल देंगे। प्याज को गुलाबी कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। गोल्डन हो चुका है, तो जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर का उसको भी डाल देंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर हम नहीं डालते हैं, व्हाइट चिली पाउडर डालते हैं क्योंकि कश्मीरी रेड चिली पाउडर उतना तीखा नहीं होता है। पहले ही मैंने दो मिर्च डाला है, इसलिए आप बाकी रेड चिली पाउडर डालेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, कलर आने के लिए मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं यूज किया है। सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हम इसको चलाएंगे और जब तक तो हमारी ग्रेवी से तेल छोड़ना स्टार्ट ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। कलर भी कितना अच्छा आया है, मसाला भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अब मैं मटर को इसमें डाल दूंगी। तो हम बस मटर की सब्जी बना रहे हैं, इसमें कुछ और ऐड नहीं कर रहे हैं। आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें एक कटोरी पानी ऐड करेंगे। Thank you.
इसमें और थोड़ा पानी ऐड करेंगे और 1 चम्मच पनीर मसाला ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा जो मटर की सब्जी है वो बनेगा। इसका एक उबाल आने तक हम पकाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको थोड़ा चला लेंगे। कलर भी बहुत अच्छा आया है गाइस, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छे तरीके से हमारे मटर पकने के बाद मैंने अभी गैस को ऑफ कर लिया है, तो अब मैं इसमें धनिया के पत्ते डालूंगी और एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो कलर भी बहुत अच्छा आया है गाइस, खुशबू भी बहुत अच्छी आई है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी ग्रेवी को जिस तरह से कंसिस्टेंसी में रखा है और गैस को भी ऑफ कर लिया है। तो अब फटाफट से इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो अब इसको मैं धनिया के पत्ते से गार्निश कर रही हूँ। तो यह हमारी मटर की सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही जल्दी बन जाती है, इजी भी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, भी बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा है गाइस। एंड यार फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।